ओके नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस। तो अगर आप लोग ने सीए इंटरमीडिएट अभी पास किया है या कभी भी पास किया हो और आप सीए फाइनल में आ गए हो तो सबसे पहले हार्डियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सीए फाइनल। अब आप बस एक कदम दूर हो फ्रॉम योर ड्रीम्स टू गेट ओवर। ऑलराइट गाइस, सो ये ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा एंड दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज योर सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। उसके बाद में ही आप रियल टर्म्स में सीए फाइनल के लिए एलिजिबल होगे एंड देन यू कैन गिव द मेन सीए फाइनल एग्जामिनेशन। तो एसपीओएम का एलिजिबिलिटी, बिकॉज बहुत सारे सेट्स हैं वहां पे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, आपको कौन से सेट्स देने हैं, कब तक देने हैं, एग्जाम के पहले देने होते हैं ये, लॉ एंड एससीएम में क्या अप्रोच रखना है बिकॉज ये आईबीएस में भी काम में आएगा, उसके लिए रिविजन वीडियोज है एंड एमसीक्यू पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। तो ये सारी चीजें अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका अटेम्प्ट मई 25, नवंबर 25, मई 26, मई 27 जब भी है मई 25 एंड बियॉन्ड, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो एंड तक देखना। सेकेंड, प्लीज एंश्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। एस सी एम पी जो है आपका, उसको कैसे क्लियर करना है एग्जाम में, पेपर वन में ये फाइनल AFM है उसमें काफी आप लोगों को हेल्पफुल होने वाला है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड बहुत सारी चीजें मैं करवाऊंगा। प्लस 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 देर आर मेनी वैल्यू एडेड थिंग्स विच यू आर गोइंग टू गेट। सो अगर आपको अपना ड्रीम को कंप्लीट करना है, स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल विद क्लिकिंग इन द बेल आइकन सो दैट आप अपडेटेड रहे सारी चीजों के साथ। ऑलराइट गाइस, तो चलो ऑन दैट पॉजिटिव नोट, ऑन दैट बेल आइकन क्लिकिंग नोट, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो ऐसे अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट आपको काम का लग रहा है, तो प्लीज क्लिक द लाइक बटन ऑल्सो सो दैट आपको ऐसे कनेक्टेड वीडियोज और भी मिल जाए मेरे एंड दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। अब सबसे पहले देखते हैं कि सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में टोटल 4 सेट्स है, ए बी सी डी। फिलहाल फोकस मैं तो आपको बोलूंगा कि यार ये ए और बी के ऊपर ही कर रहा है, सी और डी के ऊपर इंस्टीट्यूट अभी भी एकदम लेड बैक एटीट्यूड पे है, तो अभी अपने को ज्यादा इस पे लोड नहीं लेना है। सी और डी के भी काफी, मतलब सी में टोटल 5-6 सब्जेक्ट्स है, डी में 6-7 सब्जेक्ट्स है, उसमें से इलेक्टिव चूज करना है और अभी बहुत ज्यादा उसके कुछ इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं। तो मेरे हिसाब से सी और डी को अभी बैकफुट पे रखो, ए और बी कंप्लीट करने के ऊपर फोकस करो और बाकी के जो 5 सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करने के ऊपर फोकस करो। द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज 100% एमसीक्यू, सो इसके आपको टेंशन लेना नहीं है। आप लोगों को सेंटर अलॉट किया गया है आपकी सिटी में, वहां पे आपको जाना है, आपको ऑनलाइन एग्जाम्स देना, इट इज नॉट अ ओपन बुक एग्जाम, सो लेट मी क्लैरिफाई दैट। सेट ए एंड सेट बी को मैं इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आपका जो मेन एग्जाम है पेपर 6 आईबीएस का विच इज ऑफ 100 मार्क्स, उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 20% कवरेज होगा लॉ एंड कॉस्टिंग का। तो आपको ये यहाँ पे एसपीओएम के साथ साथ पेपर 6 में भी काम में आएगा एंड नवंबर 24 का अगर आप लोग अटेम्प्ट देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 20% वॉज फ्रॉम दीज टू सब्जेक्ट्स, मेकिंग इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल एग्जाम्स आर डिफरेंट, मतलब वो आपके आपका जो फ्रेंड है उसको कोई और पेपर आया होगा, आपको कोई और पेपर आएगा, आपके कोई फ्रेंड को और पेपर आएगा। नाउ इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ इजी पेपर टू एवरेज टू अ डिफिकल्ट पेपर, बट अपने को तो कभी भी प्रिपेयर करके जाना है दैट कैसा भी पेपर है, लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ऐसा कहावत है, लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड द बेस्ट विल हैपन। सो अपने को तो डिफिकल्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करके जाना है एंड आई एम श्योर यू विल क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट लाइक सो मेनी ऑफ आर स्टूडेंट्स, बट उसके लिए अप्रोच एकदम सही होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए एलिजिबिलिटी जानना। तो देखो ये थोड़ी पुरानी बात है, अब आई डोंट थिंक सो ये सब चीज आप लोगों को सुनना है। सीए फाइनल अगर आपका नवंबर 23 के पहले ड्यू हो गया था या नवंबर 23 तक ड्यू हो गया था तो आपको सेट ए और बी ही देना है। मई 24 नवंबर 24 तक हुआ था तो फिर भी आपको सेट ए प्लस बी देना और आपके एग्जाम्स के बाद भी आप इनको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट मई 25 में दे रहे हैं या उसके बाद में दे रहे हैं देन इन दैट केस बिफोर एग्जाम्स आपको ऑल सेट्स ए बी सी एंड डी कंप्लीट करना पड़ेगा। अब बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, मैं आप लोगों को वो सब डाल के यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूंगा। आपको स्पेसिफिकली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर जानना है देन इन दैट केस या तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हो जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ। आप मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना तो मैं आपको स्पेसिफिक जो भी आपका क्वेरी है उसको आंसर कर दूंगा कि सर मैंने इंटरमीडिएट मई 24 में क्लियर किया था, अभी मेरा डायरेक्ट एंट्री था तो मेरा ड्यू मई 25 में हो रहा है, तो मेरे लिए सेट ए और बी एप्लीकेबल है या सी या डी भी एप्लीकेबल है। तो ये कुछ स्पेसिफिक बहुत सारे इसमें परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है जिसका इंस्टीट्यूट ने एक क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन दिया है, वो अब मैं पूरा एक्सप्लेन करने को बैठूंगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो आपका स्पेसिफिक कोई क्वेरी है आप कमेंट में डाल दो,
या फिर मेरे को ये नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आई विल आंसर दैट, आई होप नो प्रॉब्लम। बाकी एक जेनरिक चीज बता दूं भाई, सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में 25 में डी हो रहा है, बी प्रिपेयर्ड टू गिव ऑल द 4 सेट्स। ऑलराइट गाइस, अब उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, जैसा मैंने बोला लॉ एंड कॉस्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें मेरा सब्जेक्ट स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं तो इट इज कॉस्टिंग एंड दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो अगर ये मेरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है एससीपीएम, तो ऑब्वियसली फिलहाल एक्सपर्टीज वाइज मैं इसी के ऊपर डिस्कशन करना चाहूंगा। एक आप मेरे ओल्ड सिलेबस के बहुत सारे रिविजन वीडियोज हैं, ठीक है, सो अगर आप लोग संकल्प कांस्टिया रिविजन वीडियोज SCPM डालोगे तो आप लोगों को पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सो दैट यू कैन यूज। बट ऑब्वियसली ओल्ड सिलेबस के हिसाब से वो बनाया हुआ है SCMP के हिसाब से, तो वो आप लोग एक रिफर कर सकते हो रेफरेंस के लिए। SCPM में 25% चीजें चेंज हो गई है, या तो कोई नया चीज ऐड हुआ है कॉन्सेप्ट, या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिलीट हो गया है, सो वो थोड़े बहुत चेंजेस है। उसके लिए मैंने श्योर शॉट वीडियोज बनाए हैं विच कैन बी अ हेल्पफुल थिंग टू यू। बट अगर आप फर्स्ट टाइम SCPM पढ़ रहे हैं प्लस IBS में भी आप इसको यूज करने वाले हैं, देन आइदर यू कैन यूज देम, काफी स्टूडेंट्स ने इसको भी यूज करके क्लियर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ डिफिकल्ट पेपर, IBS के लिए भी आप अपने आप को सिक्योर्ड रखना चाहते हैं, बुक्स आपके पास आपको चाहिए कि यार सब चीजें प्रॉपरली कनेक्टेड रहे, देन मेरा एक सजेशन है, यू कैन गो फॉर माई फास्ट ट्रैक और रेगुलर बैचेस एंड दे आर वेरी मिनिमली प्राइस। सो इसमें आपको सारे के सारे बुक्स मिल जाएंगे, मेरे MCQ का एक बुक मिल जाएगा, SCPM का जो कॉस्ट का बुक है, जो थ्योरी एंड फॉर्मूला का बुक है वो मिल जाएगा, एंड एक प्रैक्टिकल का भी बुक मिल जाएगा। तो IBS में ओपन बुक के लिए आपको बुक लेके जाना है, सो आपके पास वो कंटेंट आ गया। प्लस आप लोग जो SCPM के लिए SPOM एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हो उसके लिए भी कंटेंट आ गया, सो फिर वो आपने टेंशन फ्री हो जाओगे बाय पेइंग अ मिनिमल फी। प्लस ये 55 आवर्स के लेक्चर जब आप सुनोगे, द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दैट आई हैव गिवन, द कनेक्शंस दैट आई हैव मेड विल मेक यू अ वेरी वेरी इन्फॉर्म पर्सन एज फार एज SPOM एंड IBS इज कंसर्न। वो चॉइस आपका है, यू कैन ट्राई इट आउट। सो 55 आवर्स के फास्ट ट्रैक है, 80 आवर्स का रेगुलर है, कॉन्सेप्ट वाइज दोनों फुल्ली कवर्ड है, सम्स एंड MCQ वाइज फास्ट ट्रैक में थोड़े जो रेपिटेटिव सम्स या रेपिटेटिव MCQs है वो कवर नहीं होंगे, बट रेगुलर में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड, सो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग विदाउट बुक्स इट इज 2699 एंड 3999 एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट webuket.in, यहाँ पे आप लोग वीडियो लेक्चर्स के ऊपर क्लिक करोगे एंड वंस यू गो टू सी ए फाइनल आप लोगों को सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। जस्ट रिसेंटली वन ऑफ माई स्टूडेंट फ्रॉम कैलकटा सिक्योर्ड 96 मार्क्स, बहुत जल्द उसका मैं एक इंटरव्यू डाल दूंगा, सो ही कैन रियली गाइड यू एज टू हाउ यू कैन अप्रोच दिस सब्जेक्ट टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। ऑलराइट गाइज, डन। अब आप लोगों के लिए कुछ बोनस टिप एंड दैट इज फ्री MCQ प्रैक्टिस अगर आपको करना है SCPM का, बिकॉज वो तो 100% MCQ है। प्लस जैसा मैंने बोला मैं paper 2 AFM भी पढ़ाता हूं, तो जितना एग्जॉस्टिवली मैं SCPM पढ़ा चुका हूं उतना ही एग्जॉस्टिवली मेरा आपको AFM के भी YouTube पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो आई जस्ट शो यू द प्लेलिस्ट जिसके आपको बहुत हेल्पफुल होगा एंड हियर इट इज। सो YouTube चैनल पे जब आप लोग जाओगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा AFM का भी, SCMP का भी, SCPM का, सारी चीज का। मेरे जो श्योर शॉट है इसमें तो मेरा जो फर्स्ट वीडियो था उसके ऊपर मोर देन 1 लाख व्यूज भी आ गए, सो दैट विल रियली बी हेल्पफुल इफ यू फाइंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव व्यूड दीज SCPM श्योर शॉट वीडियोज, जो आपके लिए भी काफी हेल्पफुल यूज होंगे। नाउ SCPM प्लस AFM का अगर आपको MCQ प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारे MCQs हम लोग ने डाले, तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। सर कहाँ से ज्वाइन करना है, तो नीचे देखो कमेंट में आपको एक लिंक दिख रहा है, उस लिंक पे क्लिक कर लो, आप सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल गेट टू सॉल्व मेनी MCQs देयर एंड कभी कभी हम गिफ्ट भी रखते हैं सरप्राइज में, यू मे गेट दैट ऑल्सो। सो ऑल इन ऑल आई थिंक अगर अपन सिस्टमैटिकली चीजों को करते हैं देन डेफिनेटली अच्छी तरह से ये सारा काम हो जाएगा। बाकी आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो लेट मी नो, तो मैं SPOM एलिजिबिलिटी, लॉ एंड SCPM का जो एक अप्रोच है उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, रिविजन वीडियोज एंड MCQs के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको लेक्चर्स खरीदना है देन इन दैट केस यू कैन विजिट अ थिंग, तो SCPM का रेगुलर बैच है, फास्ट ट्रैक बैच है, लॉ के साथ शुभम सिंगल सर का वी हैव अ कॉम्बो ऑल्सो, तो ये देखो SPOM का मेरा एंड शुभम सिंगल सर का कॉम्बो भी है, सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। सो बहुत आप लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट वेरी बेनिफिशियल हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको और कुछ हेल्प चाहिए तो मैंने आपको मेरा नंबर दे दिया है, आपको इन केस लेक्चर्स खरीदने हैं देन हियर इज द वेबसाइट, वो भी मैं आप लोगों को कमेंट्स में शेयर कर दूंगा, सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। एंड अगर लेक्चर रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए
तो यू कैन गेट बैक टू अस ऑन 7676876877। आई थिंक ये नंबर है, यहाँ पे ये देखो 7676876877। सो योर इट इज। चलो टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता। अच्छा और एक और एक और एक लास्ट बात बता दूं, ये वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को कुछ फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे जब आप टेस्ट सीरीज के ऊपर क्लिक करते हो ना। तो यहाँ पे देखो आप लोग फाइनल पे क्लिक करोगे सो यू विल गेट द फ्री टेस्ट एज वेल। फ्री टेस्ट हाँ, SCPM का, IFM का एंड मेनी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो प्लीज यूटिलाइज जो भी रिसोर्सेज आपको हम हमारी तरफ से दे पा रहे हैं, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर एंड अच्छा लगा होगा कंटेंट। सो डू लाइक द वीडियो, टेक केयर, और कुछ भी आपको चाहिए होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।